मित्रों जय श्री राम, मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए टीवाई से जुड़ा हुआ जो अपडेट है उसको लेकर के आया हूँ। टीवाई के एग्ज़ाम कब होंगे, कल जो मीटिंग हुई थी श्री उदय सामंत जी और वाइस चांसलर साहब की उपस्थिति में, उसमें यह निर्णय निकल कर के आया है कि बच्चों का एग्ज़ाम सितंबर में संभव नहीं है, क्योंकि अभी सितंबर लगा ही है और पढ़ने का भी थोड़ा समय चाहिए और साथ साथ अभी लॉकडाउन का पूरा इम्पैक्ट है। बहुत सारी ऐसी जोन्स हैं जहाँ पर कोरोना काफ़ी उग रूप में है, तो उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वो यूजीसी को एक पत्र लिखेंगे जिसमें उनसे वह अक्टूबर लास्ट 31 अक्टूबर की डेट मांगेंगे और अगले महीने में अर्थात अक्टूबर में एग्ज़ाम कराने की व्यवस्था करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, सर एग्ज़ाम किस मोड में होगा, YCMO, मुंबई, पुणे, नागपुर, तो मैं ये बताना चाहता हूँ स्वयं श्री सामंत साहब ने ये कहा है कि बच्चों की परीक्षा ऑनलाइन होगी, जो 100 मार्क का पेपर होगा उसको 100 को घटा करके कम कर देंगे, श्रिंक कर देंगे, हो सकता है 40 कर दें, 50 कर दें, और परीक्षा का जो समय है हो सकता है 30 भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय 3 घंटे से हटा करके 1 घंटे करने वाले, इससे बच्चों का समय बचेगा और जिनके पास समस्याएं होंगी, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, कुछ और होगी, उसमें भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो 1 महीने का समय इसलिए भी दे रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई कर लें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम यूजीसी को लेटर भेज रहे हैं 31 अक्टूबर, यूजीसी मान जाएगी मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनाई गई थी डिसीजन उसमें भी कहा गया था परीक्षा भरे लेट करा लो लेकिन परीक्षा कराइए आप। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की ज़्यादा रिकमेंडेशन है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात यह है कि ATKT को लेकर अभी भी कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन TY का इस एग्ज़ाम के साथ ATKT की भी होने की संभावना है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, कमेंट अवश्य करें सब्सक्राइब करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।